बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे वटाने का सालन। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है ये। इसके लिए हम वटाने को हमने 5 से 6 घंटे रात भर के लिए भिगो दिया था। इसको धो के ले लिए, हम 2-3 सीटी लगा के इसको उबालेंगे। 2 ग्लास पानी डाला है हमने कुकर में, और इसमें हम वटाने, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसको हम 2 से 3 सीटी लगा के इसको अच्छे से गला लेंगे। सेंगदाना ये, इसको भी हमने भून के ले लिया है। 100 ग्राम सेंगदाना ये, इसको हम लोटे में ही दरदरा कूटेंगे बेलन से। दो से तीन सीटी में वटाने हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसको हम बघार देंगे, बस ऐसे ही गलाएंगे इसको, ज़्यादा चूरा नहीं करेंगे। अब इसको हम बघार देंगे। तो बघार के लिए 1 टमाटर और 1 प्याज को हम प्यूरी बना लेंगे, इसको बारीक पीस के। फल्ली को भी हमने बारीक कूट लिया है। कढ़ाई में तेल के लिए हमने बघार के लिए तेल रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे थोड़ा, और थोड़ी राई डालेंगे। इसको अच्छे से लाल होने देंगे, फिर हम टमाटो प्यूरी डालेंगे इसमें। टमाटर और प्याज का पानी हम अच्छे से सुखा देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। पानी इसका अच्छे से सूख गया है, इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे अब 2 चमचे। तो भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है पूरा मिर्ची के साथ। अब इसमें हम जो गला के रखे हमने वटाने वो डाल देंगे, इसका पूरा शिरवा भी डाल देंगे और वटाने भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम जो सेंगदाना हमने बारीक कूट के रखा है इसको भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। माशाल्लाह सालन हमारा बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी हो गई है इसकी। इसको हम अच्छे से पका लिए हैं, और ये रोटी और चावल के साथ, दोनों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।